Hey guys, this is Sania Sheikh and welcome back to my channel Foodies Cooking Show. So, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा इडली विद कोकोनट चटनी. So, let's get started. So, सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं. उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें 2 कप सूजी डालेंगे और 1.5 कप दही डालेंगे. अगर आपका दही गाढ़ा है तो आप 1 कप दही लीजिएगा और 1/2 कप पानी मिलाकर उसे पहले मिक्स कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने सूजी में डाल दीजिएगा. अब हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे दोनों को मिलाकर. अब डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा. ज़ीरा आपके ऊपर है, आपको खाना पसंद है तो आप डालें, नहीं तो मत डालें. अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे. ना ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बीच का. अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमारे कोकोनट चटनी में भी नमक रहेगा. एंड ये हमारा परफेक्ट से बैटर रेडी है. अब इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे साइड में. और अब बनाते हैं अपनी चटनी. उसके लिए कोकोनट्स ले लीजिए, उसे पानी में भिगाकर 10-20 मिनट के लिए रख दीजिए. एंड अब हम अपने इडली मेकर को ग्रीस कर लेते हैं. उसके लिए पहले ऑयल ले लीजिए. और ये हमारा इडली का साँचा है, इसमें हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से. ऑयल बस इतना लगाइएगा कि हमारी इडली चिपके ना. ज़्यादा लगा देंगे तो इडली बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी. अब एक पतीली में पानी रख देंगे और ऊपर से एक छन्नी, छन्नी को कवर कर देंगे. नीचे गैस हम ऑन कर देंगे. हमारे बैटर को रखे 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे इनो. इनो से बहुत अच्छी इडली बनकर तैयार होती है, बहुत अच्छी फूलती है. अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारा पानी अच्छी तरह से पक जाए तो हम छन्नी के ऊपर अपनी इडली रख देंगे, फिर ऊपर से कवर कर देंगे. 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम. अब कोकोनट चटनी के लिए हम एक मिक्सर लेंगे, उसमें हमारे भिगाए हुए कोकोनट सारे डाल देंगे. और अब डालेंगे हरा धनिया, 4-5 लहसुन, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालेंगे और फिर एक पेस्ट बना लेंगे. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर से एक बार इसे पीस लेंगे. एंड हमारा पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बना है. अब हम एक पैन में या फिर पतीली में थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर उसके बाद ज़ीरा डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे. फिर अपना पेस्ट जो हमने बनाया था वो डाल देते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए. फिर इसे थोड़ा सा कुक करिए और फिर हमारी कोकोनट चटनी बनकर रेडी है. तो हमारे इडली विद कोकोनट चटनी बनकर रेडी है. ये बहुत सॉफ्ट हुई थी एंड बहुत टेस्टी भी थी एंड काफ़ी इजी भी है. सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल. आई पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.